भाइयों नमस्कार। भाइयों इस टाइम गन्ना बंधाई बहुत ज़ोरों से चल रही है और किसान भाई इसमें अगर सावधानी ना रखी किसान भाइयों ने गन्ना बंधाई करवाते समय तो भाइयों बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि गन्ना बंधाई अगर गलत तरीके से हो गई तो भाइयों 20-25% एकदम पैदावार डाउन होती है। इससे तो गन्ना ना ही बंधवाएँ तो भी बेहतर है, क्योंकि कुछ किसान भाइयों के यहाँ देखभाल नहीं कर रहे और खेतों में जाके नहीं देख रहे और गन्ना बंधाई वाले अपने तरीके से गन्ना बांध के चले जाते हैं और किसानों को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए गन्ना बंधाई करवाते समय एक तो अपने खेत में जाके देखें ठीक तरीके से बांध रहे हैं या नहीं, क्योंकि कोई भी कितना ही भी एक्सपर्ट हो भीतर जाकर थोड़ा सा दिक्कत कर देते हैं। जो बंधाइए हैं भीतर जाकर उतनी तरीके से बढ़िया तरीके से नहीं बांध पाते एक, और बाहर से सड़क के पास से बहुत अच्छी तरीके से बांध देते हैं। लेकिन भाइयों जैसे कि ये किसान का खेत है, ये देखिए, ये भाइयों एक तो सबसे पहली बात छोटी ईख बिल्कुल ना बंधवाए, छोटा गन्ना। और किसान भाई क्या करते हैं, सारा एक दोहरे से गन्ना बंधाई चालू करवा देते हैं। अगर भाइयों छोटा गन्ना है तो उसे बिल्कुल छुड़वा दें और ये बंधाइए इसी तरीके से करते हैं। जैसे छोटा गन्ना यहाँ आ गया, इसे बिल्कुल बांध दिया और किसान भाई ने यहाँ आकर नहीं देखा बिल्कुल भी। और किसी किसान भाई का खेत छोटा है, हाइट छोटी है और उसे बंधाई की जल्दी करवा देते हैं, ऐसा भी ना करें। अगर पूरा खेत छोटा है तो भाई उसमें 15-20 दिन का एडजस्टमेंट कर लें, थोड़ा सा रुकें और तब बंधाई करवाएं। क्योंकि अगर गन्ना भाइयों छोटा बंध गया ना तो इससे तो गिर जाए वो भी बेहतर है। एक तो आप मजदूरी के रुपए दोगे और आपका गन्ना ऊपर से गला घुट जाएगा उसका। तो ये देखिए भाइयों, इन किसान भाई ने ये देखिए जैसे ये मेड़ा बंधा है तो मजदूरों ने क्या काम करा है, बिल्कुल ऊपर से बांध दिया है ये, और गन्ना बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगा ऐसे ही ये। और कई मतलब पूरा ये खेत बिल्कुल छोटा बंधा हुआ है और इन्हें किसान भाई को क्या करना चाहिए था, इसमें अभी कम से कम 15-20 दिन का एडजस्टमेंट करना था, 15-20 दिन बाद ये गन्ना बंधना था। लेकिन जल्दी के चक्कर में इन्होंने ये खेत बंधवा दिया और इससे भाइयों इसकी लंबाई भी रुकेगी और गन्ने की मोटाई भी। अब इसे भाइयों ये कुछ भी दे लें उतना अच्छा तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा गन्ना जितना करना चाहिए। अगर भाइयों ज़्यादा ही लागत देंगे तो गन्ना उठ तो जाएगा लेकिन उतना बेहतरीन तरीके से नहीं उठेगा। और ये देखिए कोई ये गन्ना बनने लायक था, रुपए के रुपए दिए और गन्ने में इतना मज़ा नहीं आने का जितना आना चाहिए था। सारा इसका ये देखिए। तो भाइयों मैंने कई वीडियो बना दी गन्ना बंधाई के ऊपर, ये बिल्कुल ऊपर से बंधा हुआ है। ये देखिए इसमें सिर्फ दो गन्ने तो ऊपर निकल गए और सारे गन्ने भाइयों नीचे हैं, ये देखिए। तो भाइयों इस चीज़ का ध्यान रखें, बिल्कुल अपने खेत पर जाकर तभी ठीक तरीके से बंधाई करवाएं मज़दूरों से। और भाइयों सबसे पहली बात है कैंची बंधाई करवाएं, समझ गए। अगर कैंची बंधाई करवाओगे तो भाइयों उसमें ज़्यादा लाभ मिलता है। अब ये देखो ये भाइयों जून खुल गया, इस बंधाई का भाइयों क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा नहीं है भाइयों। इसलिए अपने खेतों पर जाकर देखें और बंधाई सही आदमियों से करवाएं जो सही तरीके से बांधते हों, और जिनसे आप हर बार भी बंधवाते हैं ना कमी तो वो भी कर देते हैं, इसलिए अपने खेत पर जाकर देखें। ये देखिए भाइयों कितनी गलत तरीके से गन्ना बंधा हुआ है, सारा गन्ना ऊपर से बांध दिया है इनका। और अभी इतना तकड़ा गन्ना नहीं था लेकिन वही वाली बात है, सबका देखा देख ना हम भी बंधवा देते हैं गन्ना। तो भाइयों सबकी देखा देख अपना गन्ने को बिल्कुल नाश ना करें। अगर गन्ना भाइयों ऊपर से बन जाता है, गला सा घुट जाता है, वो ग्रोथ नहीं कर पाता, ना लंबाई ले और ना मोटाई ले, आप कितने भी यूरिया पानी दो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, गन्ना जब भी बनवाएं भाइयों एक तो खूड से खूड दोनों खूड मिलाकर कैंची विधि से बनवाएं। ये देखिए ये जून बिल्कुल खुलने वाला है इसका। देखो ये मेड़ा जो है ये बिल्कुल सही है बंधाई लायक, लेकिन ये नहीं है, इसमें कुछ गन्ने नीचे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। जो भाइयों गन्ना जहाँ से बंधना चालू हो जाता है ना, बंध गया भाइयों उससे ऊपर मोटा नहीं होता गन्ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो गन्ने का मुंह बंध गया वो भी भाइयों ऊपर को नहीं चलता और नीचे से फूटने होने लगता है। जैसे कह देते हैं ना कि ना आँखें स्पाउटिंग कर देता गन्ना, आँखें फूट जाती हैं, भाइयों वही गन्ना करता है। या तो ऊपर से रोग लग गया हो गन्ने पे, टॉप बोरर लग गया हो या पोका बोइंग, या भाइयों उसका मुंह बंध गया हो बंधाई करवाते समय, इस चीज़ का ध्यान रखें बिल्कुल। ये देखिए इसमें कई गन्ने बिल्कुल मुंह से बंधे हुए हैं, ये गन्ने तो ऊपर हैं लेकिन ये साइड वाले भाइयों बिल्कुल मुंह से बंधे हुए हैं, मुंह बंध गया इनका। तो भाइयों मैं तो यही कहूँगा अपना गन्ने को सही तरीके से बंधाई करवाएं। इसमें बिल्कुल भी ये ना सोचें कि गन्ना छोटा ही गिर जाएगा,
भाइयों छोटा गन्ना इतनी जल्दी नहीं गिरने का, पौधा गन्ना तो बिल्कुल नहीं गिरता, पेड़ी में चांस रहते हैं छोटे से गन्ने के, और उसी डर से किसान भाई जल्दी गन्ना अपना बंधवा देते हैं। अगर भाइयों अगर आप जल्दी भी बंधवा रहे हैं तो मजदूरों के यहाँ पास जाकर देखें कि गन्ना सही बन जाए या नहीं, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अगर इसमें लापरवाही करोगे तो भाइयों अब तक की जितनी मेहनत है सब बेकार चली जाएगी, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। तो भाइयों आपके यहाँ गन्ना बंधाई चल रही है या नहीं ये भी ज़रूर बताएं, और आप किस विधि से गन्ने की बंधाई करवाते हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार।